नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों मेरा नाम है बिट्टू कुमार और आज मैं इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिन्होंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट टू का एग्जाम दिया था, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। जो कि मैं कल यूनिवर्सिटी गया था तो मुझे वहां से पता चला है, क्या इन्फॉर्मेशन आया है वो आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि कब उनका रिजल्ट आने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि जिन्होंने डिग्री पार्ट टू का एग्जाम दिया था तो उन लोगों का जो कॉपी जो है ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन जो है वो चेक हो चुका है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, लेकिन ये कॉपी जो है चेक होने में बहुत देर लग गया है। इसका कारण जो है कॉपी चेक करने वाले टीचर लोग हैं, क्यों उन लोगों ने कॉपी चेक करना जो है बंद कर दिया था, क्योंकि उनका जो वेतन जो है पहले से कम कर दिया गया, जो कॉपी का चार्ज मिलता है कॉपी चेक करने का वो कम कर दिया गया, जिसके कारण जो उन्होंने कॉपी चेक करना बंद कर दिया था। अब जो कॉपी समझिए इस तरह से कॉपी चेक हो रहा था जैसे कछुआ की चाल है, उस तरह वह कछुए की चाल में कॉपी चेक कर रहे थे। दोस्तों अब जो है हमारा कॉपी चेक हो चुका है, जो आपका कॉपी जो है 17 फरवरी को ही चेक हो चुका है। अब जो इंटरनेट पे अपलोड करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मैं वहां गया था तो पता चला है कि बताया गया कि 2 से 3 दिन में जो है स्टूडेंट को अपलोड जो है इसका रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा, रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर में सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली थी आज इस वीडियो में मैंने दे दिया, तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब रिजल्ट अपलोड किया जाता है तो मैं आपको वीडियो बताऊंगा विस्तार से कि किस तरह से अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।